आज करनाल में कार्यकर्ता सम्मेलन था। ये सम्मेलन कांग्रेस का कहें या फिर भूपेंद्र हुड्डा का, ये पोस्टर देखकर ही पता चल रहा है। इस कार्यक्रम में रणदीप सिंह, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा गुट का कोई कार्यकर्ता मौजूद नहीं था और न ही पोस्टर पर उनकी तस्वीर। और तो और, करनाल से एकमात्र विधायक कांग्रेस के शमशेर सिंह कोगी भी इस कार्यक्रम में नजर नहीं आए, न ही कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश गुप्ता नजर आए। ये नेता नजर आते भी कैसे? ये नेता दूसरे गुट के जो है, लेकिन जब हुड्डा साहब से गुटबाजी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि गुटबाजी बिल्कुल नहीं है। खैर, गुटबाजी है या नहीं, ये तस्वीरों से साफ जाहिर है। पत्रकार से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महंगाई, अयोध्या में रामलला के मंदिर सहित देश प्रदेश के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात रखी। और हमारे बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं पार्टी के, आज से हाथ जोड़ करो, भारत जोड़ो, जन आक्रोश है, विपक्ष आपके समक्ष है और कार्यकर्ताओं की है। तो एक आज से नया अभियान कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, इसकी रूपरेखा अध्यक्ष देंगे कि घर घर कांग्रेस, हमारा कार्यकर्ता घर घर कांग्रेस लेके जाएगा, ये यहाँ से हम आह्वान किए हैं। बाकी आपको कोई सवाल हो ये बताएंगे ना, तक जो कार्यक्रम देंगे उनको, हर गांव में हर घर में कैसे पहुंचा जाएगा, गांव की कमेटी बना जाएगी, बूथ की कमेटियां बन रही हैं। तो सर 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, आप भी जाएंगे? हरियाणा में जो देश में है वो हरियाणा में अंग्रेज ऐसा है, गठबंधन होती हैं, जब उनके होते हैं तो कोई क्राइटेरिया फिक्स होता है, कुछ पैरामीटर्स फिक्स होते हैं। हरियाणा में कांग्रेस सब में सक्षम है। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है सर, आप भी जाएंगे? करनाल हमारा हरियाणा के बीच में है और करनाल एक प्रमुख जगह है। उद्घाटन हो रहा है, बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं को न्योता मिला है, क्या आपको भी मिला है? अभी नहीं, मेरे को न्योता नहीं मिला। किस तरीके से देखते हैं राम मंदिर के उद्घाटन? राम मंदिर का जो है दरवाजे राजीव गांधी जी ने खोले थे, उनके समय में खुला था, शिलान्यास उनके समय में रखा था। राम सबके राम है, कोई एक पार्टी के पार्टी का कोई मतलब नहीं है। सर पता चला है राम पहले जाएंगे, जब जाते हैं हम पहले भी गए हैं, अयोध्या में कोई पहली दवा थोड़ा जाएंगे, पहले भी गए हैं भाई। करनाल में व्यवस्थाएं खराब हो रही है, चोरियां हो रही है, मर्डर हो रहे हैं। मैं कह चुका अपराध में जो है देश में ऊपर दो तीनों में पहुंचा हुआ है और महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित हरियाणा है, ये मेरे ही है। विनेश फोगाट ने अपना मेडल वापस करने की बात कही है और खिलाड़ियों ने भी छोड़ दिया है, कहाँ जा रही है देश की कुश्ती? देखिए, कुश्ती का सवाल नहीं, ये जो है खिलाड़ी है ये देश की शान है, हमारे गर्व होना चाहिए। वो जो कोई बात कह रहे हैं उनकी सुनकर उनका निदान निकलना चाहिए। जो हमारी बहन बेटियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो गलत है। सर राम मंदिर में सीता माता की मूर्ति नहीं है बिल्कुल नहीं। राम मंदिर में सीता माता की मूर्ति नहीं है, क्या हो गया? सीता माता की मूर्ति नहीं है राम मंदिर में बिल्कुल। मैं तो राम को मानता हूँ भाई, सीता को भी मानता हूँ, मूर्ति मूर्ति हो ना हो, राम राम है भाई। राजस्थान में आज से बीजेपी ने 450 रुपए का सिलेक्टर कर दिया, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार ऐसा है। मैं तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी, राजस्थान का चुनाव चल रहा था, मैं भी वहाँ था, तो उन्होंने कहा 450 का राजस्थान वाले कह रहे थे, तो मैंने कहा ये इन्होंने अपने स्पीच में कह रहे थे कि देखो हम राजस्थान में 450 का सिलेंडर देंगे, वहाँ पहले हरियाणा में तो दिया, हमारी सरकार आएगी तो हम 500 का देंगे, हमारे कमिटमेंट। कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप स्टेट यूनिट्स को बुला रही है जो कि इंडिया अलायंस पे अपनी चर्चा कर सके, आपकी तरफ से क्या इसमें बात रखी जाएगी? ये आपको बताना जरूरी नहीं है, समय वहीं बताएंगे, मीटिंग हमारी बात हमारी मीटिंग में बताएंगे। रोहतक के अंदर पुलिस की मौजूदगी में लवकुश दहिया पत्रकार पर हमला किया गया, देखो पत्रकारों पर हमला नहीं होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ कानून व्यवस्था नाम की तो चीज है ही नहीं प्रदेश में, फ्री फॉर ऑल है।
ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार है ही नहीं प्रदेश सर। करनाल जिले में एकमात्र विधायक है शमशेर सिंह गोगी, वो नहीं आए। कोई बात नहीं, कहीं काम हुआ बुलाया था आप लोगों ने? बुलाया था। हमारी सैलजा गुट के हैं वो? नहीं, कोई गुट नहीं, कोई गुट बात नहीं। यमुनानगर में गेस्ट टीचर्स पे लाठी चार्ज हुआ है, वो रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं। ऐसा है, लाठी चार्ज करा दी सरकार का काम है। ये सरकार जो है लाठी और गोली से सरकार चलाना चाहती है। प्रजातंत्र में लाठी और गोलियों से नहीं चलाया करते हैं, लोगों का दिल जीतने से चलता है। 2024 में लोकसभा विधानसभा चुनाव साफ हो सकते हैं क्या? कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस तैयार है उसके लिए? ये तो कांग्रेस तो तैयार है, साथ हो, अलग अलग हो, अब हो कल हो। SYL का पानी लाएंगे नहीं तो पंजाब के रास्ते बंद कर देंगे, दिल्ली का पानी बंद कर देंगे, आप क्या करेंगे? क्या बताए हमारा काम लेके आएंगे? अब तक किसने खोदी थी यार? कांग्रेस के समय में खोदी थी सर। एक नया कानून आया है ड्राइवरों को लेके कि सुप्रीम कोर्ट में केस हम जीते हैं और ये फाइनल टियर 10 हो चुका है ऑर्डर। ड्राइवरों को लेके एक नया कानून बनाया गया है ही टेंडर का कि 10 साल की सजा होगी, जुर्माना होगा कहीं मौके से भागते एक्सीडेंट के बाद, मौके से भागने के बाद अगर कोई भागता है तो ड्राइवर मौके से भागना नहीं चाहिए। जो 3 कानूनों में अमेंडमेंट हुआ है उसमें एक कानून है उसको लेकर आज प्रदर्शन है। सोनीपत के जितने प्राइवेट ड्राइवर हैं जब बसों है वो उन्होंने स्ट्राइक की हुई है। तो बात करें तो बाकी है, ड्राइवर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो भागना नहीं चाहिए। कोई ये नहीं है ड्राइवर की कोई हर टाइम नियत होती है, गलती से भी हो सकता है, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही है। राहुल गांधी की यात्रा पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएगी, पहले उत्तर से दक्षिण की तरफ गई, उसमें क्या कुछ रहने वाला है, किस तरीके से कांग्रेस? यहाँ देखी थी आपने? मैं तो आया था सर। फिर वही वही वहीं पे होगा। कितनी मजबूत पार्टी है, कब आने वाली है? संगठन की घोषणा कब तक? चलो प्रधान जी बताओ। बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? वो साथ वो यार कई दफा बता चुका आप। आप बता दें, आज बता दें। बार-बार गठबंधन क्या है? ये नीतिगत गठबंधन नहीं है, स्वार्थ का है। चुनाव से पहले तो क्या कहा था जेजेपी वालों ने, इनको यमुना पार करो। बीजेपी वाले कह रहे थे हम चित्र पार होंगे और बाद में दोनों यार हो गए। लूट के लिए लूट के साथी है ये। आप भी कहेंगे हमारा आती है उड़ा साहब, आपके साथ आते हैं सोशल मीडिया के लिए कोई पॉलिसी लेकर आएंगे? सोशल मीडिया के लिए कोई पॉलिसी लेकर आएगी अगर आपकी सरकार आती है? क्या करेंगे सोशल मीडिया के लिए कोई पॉलिसी? पॉलिसी है पार्टी सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के लिए हाँ होनी चाहिए। हुड्डा साहब, निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, और भी नेता हैं इस सूची में जो कांग्रेस में घर वापसी कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी है, समय पे बताया जाएगा सारी बात। उदयपान जी, 5 तारीख को संगठन कब तक बनेगा? जिला अध्यक्ष अभी तक नहीं बने हैं। एक सवाल मेरे आपसे भी है सर, मेरा काम सवाल करना है, आपका काम जवाब। ना ना, मैं जब नेता बनूंगा मैं भी सवाल करूंगा। आप मेरा सवाल इस बात, मैं नेता नहीं हूं ना सर, मेरी सवाल इस बात का औरों को भी मौका दे। सारे तो बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा, तू बोल रहा है, तेरी आवाज भारी है। जैसे आहिस्ता बोल, जैसे आपकी सरकार आएगी तब मैं शादी करूंगा। आहिस्ता बोल, जैसे आपका बयान आया था कि सरकार टाइम पास कर रही है ये, और क्या? लेकिन अनिल विज ने पलटवार किया है कि हुड्डा साहब कोर्ट की अवमानना और अपमान कर रहे हैं। अनिल विज का बयान आया कि हुड्डा साहब कोर्ट की अवमानना और अपमान कर रहे हैं। कोर्ट का तो मैं मान कर रहा हूँ, कोर्ट का तो जो ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है, क्यों फिर ये बैठक करते हैं, क्यों मीटिंग करते हैं? कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट कराएं, यही तो मैं कह रहा हूँ। आपने कांग्रेस के बहुत सारे कार्यक्रम बताए विपक्ष आपके समक्ष, हाथ से हाथ जोड़ो जनमिलन कार्यक्रम आज कार्यकर्ता, लेकिन कहीं पर रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी शरीर के जो नेता है वो मंच पर दिखाई नहीं पड़े। अरे कोई किसी स्टेट का इंचार्ज है, सब मुंजन से किसानों का बिल माफ किया, विद साहब से पूछना, वो कभी दिखे देखे आपको? अरे वहाँ बाई इलेक्शन मतादपुर में ना तो विद साहब दिखाई दिए कभी, ना बीरेंद्र सिंह जी दिखाई दिए, ना और कोई सांसद दिखाई दिए, वो क्या बात हमारे हुड्डा साहब? लैंड स्कैम में प्रियंका गांधी का नाम शामिल किया गया, लैंड स्कैम के लिए चार्ज प्रियंका गांधी का नाम था। चीज में प्रियंका गांधी नहीं है,
एक्यूज नहीं, आप गलत कह रहे हैं, नाम शामिल किया, नाम शामिल तो आपका भी आ सकता है, नाम नाम का क्या होगा। क्या कमी रही, आपने किसानों के कर्जा माफ किया था, नौकरी में नंबर वन का हरियाणा, लेकिन 2014 के बाद सरकार कैसे पलट गया, गरीब में काम हुए थे, कहाँ कमी रही, कहाँ कमी रही। जो प्रजातंत्र है, लोगों की इच्छा है, लोगों की इच्छा है। चलो हो गया जी, हो गया, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, कोई कमी नहीं रही। 19 में क्या रहेगा, क्या सर भूपेंद्र सिंह सीट आई हमारी, हमारी तो दुगनी से ज्यादा सीट हो गई, और ये कहां से कहां पहुंच गए बीजेपी वाले, इनकी क्यों कमी रही भाई। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।